हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। आई एम वार्म वेलकम टू माय राइजिंग स्टार्स। राइजिंग स्टार, यस राइजिंग स्टार, एक आईसीएससी क्लास 9th का एक्सक्लूसिव बैच है। ये बैच आपके लिए है, जी आपके लिए है। इस पे सारे लेसन वीडियोस, नोट्स और सारे इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली फ्री है जी। डिस्क्रिप्शन में जाएं और चेक करें और ज्वाइन कर लें जी। ये एक टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है और मैंने इस पे फेसबुक पेज भी बना रखा है। इन सब का डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाएं और ज्वाइन कर लें और सारे नोट्स वीडियोस को फ्री में प्राप्त कर लें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप क्लास 10th के मेरे सुपरस्टार हैं तो प्लीज 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 ये लेसन वीडियोस अपने जूनियर्स को, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जो क्लास 9th आईसीएससी में, उनको जरूर 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 शेयर करें। बिकॉज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग, और आपकी बदौलत ही मैंने ये, यस मेरे सुपरस्टार्स ने मुझे सजेस्ट किया था 9th आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहे हैं कंटेंट, नहीं मिल रहे हैं एक्सप्लेनेशंस, सर उनके लिए भी वीडियोस बनाइए। सो ये सर तरुण रूपानी चैनल आप लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। सो इसी विश्वास के साथ कि आप ज्वाइन करेंगे और अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी हेल्प करेंगे, चलिए स्टार्ट करता हूं बिना समय लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का लेसन है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन। जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल का लिंक मैं दे रहा हूं जी, इधर नहीं इधर दे रहा हूं जी। आप देखें और जरूर देखें इस लेसन वीडियोस को, देखें मैंने इलेक्शन पर भी वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक मैं दे रहा हूं, वो भी देखिए। और वीडियो के अंत में आपको दूंगा पूरा प्लेलिस्ट जो 9th के लेसन वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। लिखिए चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी जी। आपके सिलेबस के लेसन वीडियोस के एक्सप्लेनेशन सिंपल लैंग्वेज में अलोंग विद नोट्स। तो लेट्स बिगिन, और मैं करता हूं अपने आप को स्मॉल और बिगिन करता हूं आज का वीडियो लेसन। तो जैसा कि नाम है हमारा, चैप्टर है हमारा, टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन। तो सर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? अर्थात सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद की गवर्नमेंट, लोकल आपके एरिया की गवर्नमेंट। इसका मतलब है आपके घर के आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसको संभालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है आपकी खुद की सरकार। हाँ आप जिस एरिया में रहते हैं उसे हम वार्ड कहते हैं, मालूम है कि नहीं ये बात? हाँ आपकी जो कॉलोनी है, आसपास की एरिया है, उसमें से जब इलेक्शंस होते हैं तो उनमें से चुने जाते हैं सभासद। नाम सुना होगा, हिंदी वर्ड है काउंसलर, इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड है उसका सभासद। बहुत सारे व्यक्ति आप में से ही खड़े होते हैं सोसाइटी में से ही, और हम लोग में से जो 18 ईयर्स के लोग होते हैं जी, आपको नहीं, आपको वोट नहीं देना है, 18 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो उन्हें वोट दे करके क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इस तरीके से आप अपने में से ही, यस अपने में से ही क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जो आपकी समस्याओं को सुनता है, समझता है, सॉल्व कराता है। हो गई लोकल सेल्फ, खुद की सरकार। और क्योंकि अर्बन की बात कर रहे हैं, अर्बन मतलब शहर में, अर्थात ये वो गवर्नमेंट है जो शहरी इलाकों में है। क्या आप सिटी में रहते हैं? जी मेरे राइजिंग स्टार हैं और सिटी में रहते हैं तो प्लीज लिखना मत भूलिएगा क्या, अर्बन, आई लिव इन अर्बन एरिया। और अगर आप कहीं रूरल में लिखे हैं तो प्लीज फील फ्री और मुझे बताइए ये आप रूरल एरिया में रहते हैं। याद रखिएगा जब आप अर्बन में रहते हैं तो आपको अर्बन के साथ डैश करके लिखना पड़ेगा किस सिटी में लिखते हैं। मुझे बेसब्री से इंतजार होगा मेरे राइजिंग स्टार्स से ये जानने के लिए कि वो अर्बन में किस एरिया में रहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद अगर आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया। तो चलिए अर्बन समझ गए। अब होता क्या है, किसी भी सिटी में, किसी भी टाउन में, वहां के लोगों की समस्या जैसे वाटर की सप्लाई, सीवर की सप्लाई कौन देखेगा? यही यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखेगी। क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम लेकर के मोदी जी के पास नहीं जा सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम लेकर के अपने चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते हैं। वो लोकल एरिया के लोग हैं जो आपके बीच रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, वो सॉल्व कर देते हैं। और टाउन की अगर बात करें तो टाउन यूजुअली छोटा लोकल एरिया होता है, स्मॉल अर्बन एरिया होता है। अब आते हैं, एक कानून बनाया गया है, नाम है दी
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जी 74th अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखिएगा। 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था वो अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज के लिए था जी, पंचायती राज सिस्टम के लिए था, गांव में पंचायत बनाने के लिए। हाँ, पंचायती पंचायती हाँ पंचायती हाँ मैं लिख देता हूं पंचायती राज सिस्टम के लिए। चलो आगे बढ़ जाता हूं। तो क्या है 74th अमेंडमेंट एक्ट में, 73rd की बात नहीं कर रहा हूं, 74th की। तो इस एक्ट में ही बताया गया है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, स्टेटस देता है अर्बन एरियाज को, वो भी अपने लोकल बॉडीज बनाए। आपको बताना है, आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे बताया मैसेज बॉक्स में, बताया है ना कि आप अर्बन में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं तो किस शहर में रहते हैं, और अगर रूरल में रहते हैं तो प्लीज फील फ्री करिए और मुझे जरूर बताइए कि आप किस रूरल एरिया में रहते हैं। आपको अपने नाम और विलेज जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। और अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपके यहां नगर पालिका है जी, शायद नाम सुना होगा, नगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है जी, नगर पालिका या महानगर पालिका, बड़ा शहर होगा तो महानगर पालिका, या कई बार उसको बोलते हैं नगर निगम जी। क्या है आपके शहर में, आप पता करके मुझे जरूर बताइएगा जी। और यही अर्बन लोकल बॉडीज आपकी समस्याएं सुनती हैं। इसमें भी 33% सीट किसके लिए रिजर्व की रखी गई है, 1/3 सीट रिजर्व की कर दी गई है वुमेन्स के लिए और एससी एसटी और बैकवर्ड, एससी एसटी हाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड रीजन्स के लोगों के लिए भी इसमें सीट रिजर्व रखी गई है। आइए अब जानते हैं कैसे ये काम करता है, कैसे इसमें इलेक्शंस होते हैं। ये तो आप जान गए कि सेल्फ गवर्नमेंट है, कैसे होते हैं इलेक्शंस आइए जाने। ये देखिए मैंने एक एक इमेज बना रखी है मेरे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट की, जहां पे मैं रहता हूं जी। कई बार आप में से राइजिंग स्टार सुपर स्टार मुझसे पूछते हैं सर आप कहां रहते हैं, तो हीरा यस। तो ये वाराणसी को देखिए, ये वाराणसी का मैप है, इसको स्मॉल स्मॉल रीजन में बांट दिया गया, जैसे ये एक बड़ा गांव रीजन है। हाँ ये बड़ा गांव रीजन है। अब इस रीजन से, इस बड़ा गांव रीजन से है ना, इस बड़ा गांव रीजन से बहुत सारे लोग इलेक्शंस में खड़े होंगे जी, चुनाव में खड़े होंगे काउंसलर बनने के लिए। क्या चीज बनने के लिए, काउंसलर। अब इनकी वोटिंग होगी, काउंसिल का मेंबर बनने वाले को कहते हैं काउंसलर, ठीक है ना। जो भी 25 ईयर अबव के एज के हैं वो इसके लिए खड़े हो सकते हैं चुनाव के लिए, काउंसलर पोस्ट के लिए। और इन एरियाज को कहते हैं वार्ड, हिंदी में बोले तो चुनाव क्षेत्र जी, चुनाव का एरिया जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं जिस एरिया के अंदर, उसे कहते हैं चुनाव क्षेत्र। मैं थोड़ा सा हिंदी में भी यस लिख दे रहा हूं, क्षेत्र, ठीक है हाँ क्षेत्र लिख दिया ना। तो चुनाव क्षेत्र, उसी तरह से एक और चुनाव क्षेत्र दिखाता हूं, पिंडरा, देखिए ध्यान से। हाँ पिंडरा से भी क्या होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव में खड़े होंगे पर जीतेगा कोई एक, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। उसी तरह से चोलापुर, उसी से चिराई गांव, लाइक दिस अलग अलग एरिया बटी हुई है। इन्हें हम कहते हैं क्या, म्यूनिसिपल एरियाज, जहां पर इलेक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है। जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में इलेक्शंस टेक प्लेस करेगा वो है वार्ड। और कॉम्पोजिशन अर्थात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि बड़े शहरों में होता है, बिग टाउन्स में होता है। हाँ दिल्ली बॉम्बे में क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जी, मेट्रो शहर है ना, इनमें जनरल काउंसिल होती है। जनरल काउंसिल में यही काउंसिल के मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, इसमें इनका हेड होता है मेयर, एक्सटेंडिंग कमिटीज होती है और उन सब का काम एडमिनिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर्स होते हैं, नाम है म्यूनिसिपल कमिश्नर्स। आइए जाने पूरा सेटअप कैसे ये काम करता है, कैसे काउंसिल मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। सबसे पहले आप एक सीन देख पा रहे हैं, ये अंग्रेजों के जमाने का फोटो है जी, इस इमेज में आप देख रहे हैं अंग्रेज मेंबर्स हैं, देखिए टेबल पे रखी फाइल्स हैं, इसी पे बैठे बैठे डिस्कशंस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है यहीं बैठे बैठे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पुराना अंग्रेजों का फोटो है। तो काउंसिल क्या है, काउंसिल एक बैठक है, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं जो कि काउंसिलर्स कहलाते हैं, मैंने बताया था इनको सभासद के नाम से भी जाना जाता है जी, हिंदी वर्ड है ये सभासद। हाँ ये आपके एरिया के लोग हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं और आपकी समस्या सुनेंगे, ये हम इनको काउंसलर कहते हैं इंग्लिश में। ये यही नगर पालिका में बैठते हैं जी, कहाँ मिलेंगे आपको,
नगर पालिका में बैठेंगे, जहां पर आपके सीवर की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, हाउस टैक्स की प्रॉब्लम, ये सारी जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हैं। बर्थ डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, ये सब यहाँ पे लोग मिलते हैं, सभासद लोग मिलते हैं। हाँ, चेक करिएगा, पता करिएगा आपके शहर में नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम है, और है तो वहां पे ये लोग बैठते हैं। ये आपके ही एरिया से जाते हैं, हर एरिया से चुन के रे यहाँ पे जाते हैं। फिर इनके ऊपर कौन होता है, इन सबका हेड कौन होता है, इन काउंसलर्स का हेड होता है ये, यस मेयर। काउंसलर्स टुगेदर मिल करके क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने में से एक सबसे ऊपर व्यक्ति को, नाम है मेयर, और मेयर और उनके नीचे डिप्टी मेयर, टॉप मोस्ट पर्सन कौन हो गया, मेयर। आइए जानते हैं मेयर क्या करता है। मेयर इन सब का हेड होता है, और शहर का, जैसे देश में प्रेसिडेंट होता है वैसे शहर में जो लीडर होता है वो मेयर होता है। तो काउंसलर्स ने एक बार मेयर अपॉइंट कर लिया, अब मेयर के फंक्शंस। तो मेयर को फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी माना गया है, शहर का सबसे पहला नागरिक, और सारे सेरेमनीज, सारे फॉरेन डिग्निटरीज को, फॉरेन गेस्ट को, जो फॉरेन नागरिक आते हैं, विदेशी टूरिस्ट आते हैं इनको विजिट करने के लिए, तो वो इनसे विजिट करते हैं, इनसे मिलते हैं जी। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन, जब कोई नगर निगम की मीटिंग होती है जिसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, हाँ छोटे शहरों में उसको म्यूनिसिपल कमेटी के नाम भी दिया जाता है, नाम अलग अलग है, ठीक है, तो वहां पर इनकी मीटिंग को प्रिसाइड करता है। अरे भाई, उनकी मीटिंग को टेक करता है, यही उनका लीडर है, याद रखिए। ही रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ द कॉरपोरेशन, और पूरे कॉरपोरेशन के काम को कंडक्ट कराना, इनकी मीटिंग्स कराना, यही फिक्स करता है आज का एजेंडा क्या होगा। एजेंडा मतलब क्या डिस्कशन होगा, क्या मीटिंग के लिए आए हैं, किस मीटिंग के लिए आए हैं, क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, यह सब समस्या का एजेंडा ये डिसाइड करता है। और क्या करता है, ये रिपोर्ट पेश करता है किसको, ही रिसीव्स द रिपोर्ट फ्रॉम द म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कमिश्नर भी इनको रिपोर्ट करते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स इन्होंने अंडरटेक किए हैं, अर्थात गवर्नमेंट ने क्या क्या, कहीं सड़क बनाने का, कहीं नई सीवर लाइन बिछाने का, देखा होगा आपके शहर में बहुत सारी जगह खुदाई हुई होगी, हुई है ना, तो ये कौन करा रहा है, अरे यही लोग करा रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले। आपके सड़क में कहीं, आपके शहर में कहीं खुदाई हुई है कि नहीं, गड्ढे खोद करके, है ना, कहीं सीवर की पाइपलाइन जल रही होगी, कहीं नई बिजली के खंभे लग रहे होंगे, कहीं नई सड़कें बन रही होगी, अरे कौन करा रहा है, यही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गॉट इट। मेयर इनका हेड है, याद रखिए, ये डिसाइड करेगा कहां सड़कें बनेंगी, कहां सीवर लाइन बनेगा, कहां पाइपलाइन बिछेगी, गॉट इट। थर्ड देखते हैं, थर्ड कंपोजिशन, म्युनिसिपल कमिश्नर, ये कौन होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है। अब ये एक टॉप एग्जीक्यूटिव पद है, देखिए यहां पे कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, है ना, और सब इनको सुन रहे हैं, ये है कमिश्नर जी, ये कमिश्नर साहब है, क्या करता है, कैरी एंड कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे कॉरपोरेशन को कंट्रोल करता है, इनके कामकाज को, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम बनाती है, है ना, जो काउंसिल मेंबर ने डिसाइड किया कि हम एक नया सड़क बनाएंगे, तो कौन नजर रखेगा कि सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है, सड़क की क्वालिटी सही है कि नहीं है, यही चेक करेंगे, कौन नजर रखेगा उन कामों पर, तो म्युनिसिपल कमिश्नर जी। और ही मेंटेन्स एंड सेफगार्ड म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स, तो शहर के जमीन के रिकॉर्ड्स किसके पास है, आपके मकान का जमीन का रिकॉर्ड कहां है आपको मालूम है, तुम्हारे बर्थ का सर्टिफिकेट कहां है मालूम है कि नहीं तुम्हें, किसने दिया जी, हाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट्स ने, आपके घर में वाटर सप्लाई आ रही है, आपके घर में सीवर की लाइन आई हुई है, यस, जो आपके घर के ड्रेन पाइप जा रहे हैं, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है, इसके पास रिकॉर्ड है, सारा म्युनिसिपल के पास रिकॉर्ड है, और उसी का हेड है ये म्युनिसिपल कमिश्नर, हर एक चीज की, यस, आपके सोसाइटी, आपके रीजन का सारा रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, हाउस टैक्स, सारी जानकारी। तो एक तरह से मैं कहूं सर्वे सर्वा है, टॉप मोस्ट है कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखिएगा, पर कीवर्ड है। तो इनके फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंपल्सरी फंक्शन तो वो है जो इनको करना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, हाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, म्युनिसिपैलिटी को, जिसको हम भाषा में कहते हैं, हाँ छोटे शहरों में मैंने बताया म्युनिसिपैलिटी वर्ड यूज होते हैं,
बड़े शहरों में मेट्रो शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे मुंबई होगा तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली है सिमिलरली। और ऑप्शनल फंक्शन वो है जो ये करें या ना करें इनकी मर्जी है, इनके पास फंड्स होंगे, फाइनेंसेस होंगे, तब ये फंक्शन करेंगे, वरना इसको नहीं करेंगे। आइए डिटेल में एक एक करके फंक्शंस के बारे में जानते हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को करने हैं। कंपल्सरी में चॉइस नहीं है, ये तो आपको देना ही देना, ये आपकी ड्यूटी है। जैसे बिजली की सप्लाई देखना, पानी का सप्लाई देखना, सीवेज का डिस्पोजल होना, सीवेज मतलब गटर का पानी, आपके घर से जो आपके टॉयलेट्स वॉशरूम से गंदा पानी जा रहा है वो कहां अंडरग्राउंड होके कहां जा रहा है, मेन सीवर लाइन में जा रहा है, जो आपके घर के बाहर जो रोड है ना उसमें जा रहा है, मालूम है कि नहीं। तो ये सीवर लाइन किसने बिछाई? करेक्ट, इन्हीं का काम है उसको मेंटेन करना, उसकी सफाई कराना, और क्या करना, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मेंटेन करना। सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत सारे जी, उसमें दवाइयां बहुत सस्ती मिलती हैं, फ्री मिलती है, फ्री इलाज होता है, कौन मेंटेन कराता है? अगेन पब्लिक, पब्लिक की सारी चीजों को मेंटेन कराता है ये म्यूनिसिपल कमिश्नर, उस पर नजर रखता है। और म्यूनिसिपल कमिश्नर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ठीक है। पब्लिक डिस्पेंसरीज, फैमिली वेल्थ सेंटर्स, ये सारे मेंटेन करती है एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए सड़कें, बिल्डिंग्स, बस शेल्टर्स, डिमोलिशंस, टॉयलेट्स, आपके शहर में थोड़ी थोड़ी दूरी में क्या है, टॉयलेट्स बने, वॉशरूम बने, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है? एकदम सही, पब्लिक या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और एजुकेशन स्कूल कराते हैं, आपका स्कूल नहीं जी, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल नहीं है। तो जैसे आप पढ़ रहे हो सेंट जॉन्स मेरोली में, या आप पढ़ रहे हो सेंट थॉमस में, सेंट फ्रांसिस में, ये सब मिशनरी स्कूल्स हैं जी, ज्यादातर जो आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। हाँ, उसको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जा रहा है, पता है ना आपको, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स नहीं है। तो सर ऐसे कौन से स्कूल होते हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है, जिसे हम प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, प्राइमरी स्कूल्स कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल्स कहते हैं, यहाँ पर एडल्ट क्लासेस भी चलती हैं, यहाँ पर सरकार फ्री में खाना, मिड डे मील देती है जी, मिड डे मील देती है, स्कूल बैग देती है, स्कूल यूनिफॉर्म फ्री है, स्कूल शूज फ्री है जी। पर याद रखिएगा आपके स्कूल में नहीं, इन स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में, हाँ इसमें तो आप समझ ही रहे हैं कैसे स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट के तो स्कूल्स हैं। हाँ, गवर्नमेंट इसमें सब फैसिलिटी इनको देती है फ्री ऑफ कॉस्ट जी। आपको मालूम है आपके घर में जो शांता भाई, अरे वो काम करने वाली, हाँ, जो आपके घर में जो मेड सर्वेंट्स हैं, हाँ, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े क्या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं? नहीं, इन्हीं गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वहां उनको सब फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से जी, स्कूल का बैग से लेकर के हर एक चीज। आइए अब डिस्क्रिशनरी फंक्शन जाने, ऑप्शनल मतलब यह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शन करे ना करे उसकी मर्जी, उसके पास फंड्स होंगे तो करेंगे। जैसे कि पब्लिक हाउसिंग बनवाना, हाउसिंग बोर्ड बनवाना, हाउसिंग बोर्ड वो संस्था होती है जो क्या करती है, सस्ते घर बनाती है और इन सस्ते घरों को लोगों को बेच देती है म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को, तो जब पैसे होंगे तब तो घर बनवाएंगी ना। और या तो क्या करना, पब्लिक के पार्क्स मेंटेन करना, या लाइब्रेरीज खुलवा देना, म्यूजियम्स खुलवाना, थिएटर चलाना, अखाड़ा चलाना, पिकनिक रिजॉर्ट खोलना। मैंने कहा ना ये नहीं भी करेगी क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, फंड्स हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, लोग हैं, टीम है ऐसा काम करने के लिए, तो कर सकती है। शहर का ब्यूटिफिकेशन करना, सुंदरीकरण करना, ये सब जिम्मेदारी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। याद रखिएगा एक कीवर्ड, ये ऑप्शनल फंक्शन है, जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, तो वैसा करेगी। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से नीचे आती है, उससे छोटी होती है म्यूनिसिपल कमेटी। हाँ, जैसे मेरे शहर में म्यूनिसिपल कमेटी है, वाराणसी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है क्योंकि मेट्रो नहीं है ना, बड़ा शहर नहीं है, जैसे लखनऊ या और बड़े शहर मैंने बताया ना, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया जी, छोटे छोटे टाउन में म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं, बस वही काम बस म्यूनिसिपल कमेटी करती है भाई। बड़ा शहर है तो बड़े रिसोर्सेज हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो म्यूनिसिपल कमेटी कहाँ होती है, स्मॉलर टाउन्स में होती है, इनको म्यूनिसिपल बोर्ड्स भी बोलते हैं या म्यूनिसिपैलिटी भी बोलते हैं। एक एग्जांपल में मैंने लिखा है भवाल नगर, शायद नाम सुना हो आपने, भवाल नगर, ठीक है, ये म्यूनिसिपल कमेटी का फोटो भी मैंने लगा दिया आपके लिए। अच्छा, म्यूनिसिपल कमेटी में भी यही सब काम होते हैं, इनका जो हेड होता है उसका नाम होता है CEO जी, ठीक सुना आपने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
ये एक अपॉइंटेड व्यक्ति होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, ये वहां के सारे सिविल कामों पे नजर रखता है। हाँ, वहां के सारे जो ये मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर के काम बताए थे, ये सारे काम ये सीईओ देखता है। फिर नाम से देखो ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, रोड बनना है, सीवर लाइन बिछनी है, सब पे ये नजर रखता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स की जरूरत है, फील फ्री करिए जी, फील फ्री करिए, चैनल को ज्वाइन करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे बहुत उम्मीद है मेरे 9th केस राइजिंग स्टार से। जी, राइजिंग स्टार एक एक्सक्लूसिव बैच है आईसीएससी, और सिर्फ आईसीएससी क्लास 9th के स्टूडेंट्स का। तो प्लीज जाएं डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक को ज्वाइन कर जाएं। याद रखिएगा, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, आपके सारे लेसन वीडियोस को मैं कवर करने जा रहा हूं जी। और रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स को भी, फ्रेंड्स को भी, और अगर आप 10th में हैं तो प्लीज अपने जूनियर्स को भेज देना इसको। थैंक यू एंड लव यू फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट टू मी एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू।